क्यों पूछ रहा हूँ कि विनोद कांबले को कितने लोग जानते हैं? मैं आपको विनोद कांबले के बारे में पहले बताता हूँ। विनोद कांबले, सचिन तेंदुलकर दोनों ने एक साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी, दोनों का जो नाम हुआ था, उन दोनों ने मिलकर एक साथ स्कूल में पार्टनरशिप की थी और विनोद कांबले का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर से काफी अच्छा था उस मैच में, जबकि उसने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया था। सो टैलेंट, आई एम हियर टू कंपेयर अबाउट टैलेंट एंड एटीट्यूड, डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड एटीट्यूड। टैलेंट और एटीट्यूड में क्या फर्क है और आपको कहां तक वो ले जा सकता है? टैलेंट जो है वो आपको एक द्वार, सक्सेस के एक द्वार तक पहुंचाएगा, दूसरे द्वार तक पहुंचाएगा, लेकिन हर द्वार तक पहुंचाने का काम टैलेंट नहीं करता। इट्स ऑल अपॉन योर वर्क एथिक्स एंड योर पैशन टुवर्ड्स योर वर्क। आप कितने पैशनेट है अपने काम के प्रति, ये आप डिसाइड करता है कि आप अपने जीवन में कितने आगे तक जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, विनोद कांबले ने जब क्रिकेट, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब पदार्पण किया, तो इट स्टार्टेड विद अ बूम। ठीक है, ओनली 14 इनिंग्स, सिर्फ 14 इनिंग्स में टेस्ट क्रिकेट में विनोद कांबले ने अपने 1000 रन बनाए, जो अभी तक किसी भी क्रिकेटर के लिए एक रिकॉर्ड है। द ओनली क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू रीच 1000 रन माइलस्टोन इन ओनली 14 इनिंग्स, none other cricketer than him had done till today। आज तक किसी क्रिकेटर ने ये रिकॉर्ड पार नहीं किया जो विनोद कांबले ने किया। लगातार 3 दोहरा शतक, 3 शतक, ऐसा रिकॉर्ड विनोद कांबले का था। He was at the peak of his career. But what happens? He lost all the things because he never worked on his work ethics. उसने continuous effort नहीं लगाया, ठीक है, continuous effort नहीं लगाया, डेली परफॉर्मेंस नहीं किया, डेली प्रैक्टिस नहीं की। जब वो ऊंची स्तर पर पहुंच गया तो उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, वो एडवर्टाइजमेंट में बिजी था, फिल्म्स वगैरह में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर, उसने टाइम लिया लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट किया और आज सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के नाम से जाने जाते हैं। यस, अचीव्ड भारत रत्न। मैं आपको ये इसलिए बताता हूँ कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे बोलते हैं, सर ये मैथ्स मेरे बस का ही नहीं है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी। इम्पॉसिबल का वर्ड भी यूज करते हैं बच्चे, बोलते हैं ना आप लोग ये क्या सर। और कुछ बच्चे तो बोलते हैं सर पढ़ाई छोड़े हुए 2-3 साल हो गए, स्पेशली फॉर विंडी बैच पढ़े इधर बच्चे लोग, ठीक है, बोलते हैं 2-3 साल हो गए सर पढ़ाई छोड़े हुए। सो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू कोप अप विद दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर टू टेल यू देयर इज नो नेवर टू लेट और टू अर्ली टू लर्न एनीथिंग। कभी भी ज्यादा देर या ज्यादा अर्ली नहीं होता किसी भी नई चीज को सीखने के लिए। ये मौका आपको मिला है और बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि सीखने को दोबारा विद्या मंदिर में आने को। आप यहाँ पर बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एक नया, मतलब एक नवयुवक की तरह सीखिए, बच्चे की तरह बैठकर सीखिए। कुछ भी सीखा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको पता है लॉर्ड केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ नन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन फ्लाई, कोई भी चीज हवा में उड़ नहीं सकती क्योंकि धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, जिसके कारण कोई भी चीज ऊपर नहीं उठ सकती है। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन राइट ब्रदर्स नाम जाने आपने? यस सर। उन्होंने साइकिल की रिपेयरिंग करती थी, साइकिल के रिपेयरिंग करते थे, उसके पार्ट जोड़ जोड़ के उन्होंने एक एरोप्लेन बना दिया और जब एरोप्लेन उड़ाया तो मीडिया वहां पहुंची और कहा आपने एरोप्लेन कैसे उड़ा दिया, ये तो इम्पॉसिबल था। उसने कहा इम्पॉसिबल था, पता ही नहीं था मेरे को, वो स्कूल गए ही नहीं थे, जब पढ़े नहीं तो पता ही कैसे चलेगा कि इम्पॉसिबल था। तो उनको ये बात पता नहीं था कि ये इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने बना दिया। जैसे ये बात मान ली जाती है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, हमारे अंदर वो घर कर जाती है एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल। आप क्रिकेट तो देखते हैं? यस सर। क्रिकेट में 2000 से ज्यादा वनडे खेले गए, किसी ने भी वनडे क्रिकेट में 200 रन नहीं मारे। ये बोला जाता था कि इट वॉज अ क्वाइट इम्पॉसिबल, 50 ओवर की मैच में 200 रन मारना संभव है क्या? इम्पॉसिबल है। सचिन तेंदुलकर ने एक बार मार दिया, उसके बाद तो बस लाइन लग गई। रोहित शर्मा ने 2-3 बार मारा, मार्टिन गुप्टल ने मारा, सहवाग ने मारा, मतलब मजाक हो गया। इम्पॉसिबल तभी तक है जब तक कोई करता नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नथिंग इज इम्पॉसिबल, स्टडी वेल, वर्क हार्ड एंड रीच टू द एपेक्स ऑफ योर कैरियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।